सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आखिरकार भारतीय टीम की जीत के साथ खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 5 दिन तक चले इस लंबे व रोमांचक टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम और साउथ अफ्रीकी टीम के बीच में कांटे की टक्कर का मुकाबला रहा। मुकाबले के पहले दिन के खेल से ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकी टीम पर जोरदार दबदबा बना के रखा अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के बलबूते पर। इसके चलते भारतीय टीम ने पहली इनिंग में साउथ अफ्रीकी टीम को 502 रनों का विशाल लक्ष्य भी दिया। इन साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम को उतना ही तगड़ा पलटवार करके भी दिखाया। लेकिन फिर सेकंड इनिंग्स में भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर से इतनी ज्यादा शानदार रही कि साउथ अफ्रीकी टीम को इस बार 395 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम महज 191 रनों पर सिमट कर रह गई और भारतीय टीम की गेंदबाजी ने 5वें दिन के खेल में बड़ी आसानी से टीम को विजयी बना दिया। आपको बता दें कि इस दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट सेकंड इनिंग्स में लिए और वहीं जडेजा ने भी 4 विकेट अपने नाम करे। लेकिन दोस्तों अगर इस पूरे मुकाबले पर नजर डाली जाए तो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने भारतीय टीम की बल्लेबाजी में 90% सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया है और वह रोहित शर्मा। आपको बता दें कि इस टेस्ट मुकाबले में बतौर ओपनर पहली बार किसी टेस्ट मैच में खेल रहे रोहित शर्मा ने दोनों ही इनिंग्स में शतक जड़ा। पहली इनिंग्स में तो रोहित शर्मा दोहरे शतक के बेहद ही करीब थे, उन्होंने 176 रन लगाए और सिर्फ इतना ही नहीं आपको बता दें कि दूसरी इनिंग्स में भी रोहित शर्मा के नाम में 127 रन रहे। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम की इस जीत में रोहित शर्मा का काफी ज्यादा अहम योगदान रहा है। और दोस्तों ऐसा केवल हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने खुद कहा है। आपको बता दें कि मैच के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के बारे में बातचीत करते हुए और भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाते हुए विराट कोहली ने कहा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाफ अगर आप घरेलू मैदानों पर भी 203 रनों के बड़े अंतर से जीत रहे हैं, इसका मतलब आपकी टीम वाकई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस जीत से मैं बेहद ही खुश हूँ और मैं मानता हूँ कि सभी खिलाड़ियों का 100% योगदान रहा जिसके चलते हम इस मुकाबले को जीत पाए। यह मुकाबला वाकई में यादगार रहेगा, खासतौर पर हमारी टीम के सलामी जोड़ी के बल्लेबाजों की वजह से। इंक अग्रवाल ने दोहरा शतक जड़कर भारतीय टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। लेकिन खासतौर पर जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी करी और पहली व दूसरी इनिंग्स में एक शतक किया व बेहद ही जिम्मेदारी भरी पारी खेली, उसने भारतीय टीम की जीत में सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया है। उन महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत ही हम विरोधी टीम को इतना बड़ा लक्ष्य दे पाए और फिर अंत में आसानी से जीत भी पाए हैं। मैं तारीफ करना चाहता हूं हमारी टीम के सभी गेंदबाजों की, जिनमें रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी व जडेजा जैसे खिलाड़ियों का भी नाम शुमार है। मुझे उम्मीद है कि अगले मुकाबले में भी सबका प्रदर्शन ऐसा ही रहेगा और हम उस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम करेंगे। दोस्तों विराट कोहली ने भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी की जमकर तारीफ करी क्योंकि हर खिलाड़ी ने अपना 100% ही तो मैदान पर दिया है। लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह बतौर ओपनर पहला मुकाबला था और अगर बतौर ओपनर ही कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए 2 बार शतक जड़े एक ही मुकाबले में तो उसकी तारीफ तो ज्यादा बनती है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या सच में भारतीय टीम रोहित शर्मा की वजह से जीती या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।